हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 10 आईसीएसई के लिए रेडियो एक्टिविटी चैप्टर। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक तो होता है नॉर्मल एलिमेंट्स, जिसको हम लोग जब भी छू लें कुछ भी नहीं होगा। नॉर्मल एलिमेंट जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, जो भी है। और दूसरा जो एलिमेंट होता है, जिसके बारे में हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज, दूसरा है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होता है? ये नॉर्मल एलिमेंट्स को हम छू सकते हैं, कुछ नहीं होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ही डेंजरस होता है। ये एलिमेंट एटम बम बनाने में भी काम आता है। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट से तीन हार्मफुल रेडिएशन आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अब अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, हम बताते हैं। अल्फा जो है ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है। अल्फा कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फा है क्या? अल्फा इट इज डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम, डबली पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज है। बीटा क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है बीटा, ठीक है। तो अल्फा पॉजिटिवली चार्ज है, बीटा क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। और गामा जो है ये अनचार्ज्ड है। गामा कैसा पार्टिकल है? अनचार्ज पार्टिकल है। तो अब क्या ये पॉजिटिव है? तो हमको 100% पता है, सबको आपको पता ही होगा कि पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होता है? नेगेटिव से। तो ये पॉजिटिव वाला जा रहा है, ये जाएगा, अगर यहाँ नेगेटिव पार्टिकल और अल्फा पार्टिकल जा रहा है ऐसे, तो ये नेगेटिव की ओर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल है तो। और अगर बीटा पार्टिकल है, मतलब नेगेटिव पार्टिकल है, तो ये पॉजिटिव पार्टिकल के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये तो अट्रैक्ट होकर इधर उधर चला जाएगा। पर ये जो गामा पार्टिकल है, इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, तो एकदम स्ट्रेट चलते हुए चला जाएगा। अगर रास्ता में कुछ है तो सबको चीरते हुए चला जाएगा, ठीक है ना, सबको पेनिट्रेट करते हुए चला जाएगा। तो जब हिरोशिमा नागासाकी में, जो जापान के जो हिरोशिमा नागासाकी में अल्फा पार्टिकल जब एटम बम गया, तो अल्फा पार्टिकल ही सबसे ज़्यादा मतलब डैमेज किया था। तो अल्फा गामा, सॉरी, ये गामा पार्टिकल, तो गामा पार्टिकल कॉजेस द मोस्ट डैमेज टू एनीथिंग, है ना। तो क्या क्यों होता है? क्योंकि इसका पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है, है ना। कोई चीज़ ऐसे आ रहा है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, कोई इधर आके इधर चला गया, पर कोई एकदम स्ट्रेट ऐसे सेंक करके गया, तो क्या हुआ, कोई भी चीज़ में घुस जाएगा ना, पेनिट्रेट करेगा ना। तो ये गामा पार्टिकल क्या किया था कि जब एटम बम गिराया हुआ था वहाँ पे जापान पे, तो गामा पार्टिकल का सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग पावर था, इसीलिए क्या हुआ, वो पेनिट्रेट करके चला गया, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम हुआ, तो ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को प्रॉब्लम हुआ। और ये क्या हुआ, ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी क्रिएट किया। कैसा क्रिएट किया? ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्रिएट हुआ इससे। अभी भी जापान के पीपल में ये जेनेटिक डिसऑर्डर दिखाई पड़ता है। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करना होगा इसके रिलेटेड। तो न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करना पड़ता है कि जो न्यूमेरिकल्स होता है उसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट से अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें चेंजेस क्या आया है। तो चेंजेस क्या आया है वो हमें देखने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट है, अगर सपोज हम एक एलिमेंट लेते हैं, जनरली अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पूछे तो इसका नाम यूरेनियम है, रेडियम है। अगर कोई एलिमेंट है एक्स और इसका एटॉमिक नंबर है सपोज 90 और यहाँ है 220, अगर इससे हम एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करते हैं, तो ये होता है, नीचे वाला होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर वाला होता है जो वो है मास नंबर। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. एंड व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. अब इसका न्यूमेरिकल्स बोर्ड्स में आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ जो मास नंबर है वो कम हो जाएगा, ये ऑब्वियसली दूसरा एलिमेंट बन जाएगा. उस एलिमेंट का नेम हम वाई अगर लेते हैं तो यहाँ पे चार कम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 216, और ये दो कम हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 88. ठीक उसी तरह कोई एलिमेंट है, सपोज उस एलिमेंट का नाम लेते हैं बी, या कुछ और नाम लेते हैं, सपोज एम, जिसका मास नंबर है सपोज 200 और एटॉमिक नंबर है 110. तो इसमें से अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो फिर क्या होता है, ये जो मास नंबर है, सपोज ये एक एलिमेंट बना पी, तो इसका जो मास नंबर है इट विल रिमेन द सेम, देयर विल नो चेंज इन इट, बट इन केस इस मास नंबर विल रिमेन द सेम, बट इन केस ऑफ एटॉमिक नंबर व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज बाय 1, ये एक बढ़ जाएगा. तो बहुत इजी है, बस हमको क्या करना है, एटॉमिक नंबर बढ़ा देना अगर बीटा पार्टिकल है तो, और मास नंबर विल रिमेन द सेम. यहाँ पे क्या है, मास नंबर जो है वो 4 कम होगा और एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और अल्फा पार्टिकल निकलता है तो. ठीक है, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका है, गामा पार्टिकल का. ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में कि विच रे अमॉन्ग द अल्फा बीटा एंड गामा रेस हैज़ गॉट द मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, तो गामा. अब ये गामा पार्टिकल अगर कहीं पे जो रेडियो एक्टिविटी का अगर रिएक्शन होता है कोई अगर फैक्ट्री में होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स. ओके, हमें इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलता है, पहले तो कोल से मिलता है, ठीक है, फिर मिलता है हमें वाटर से, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी इलेक्ट्रिसिटी निकलता है, पर ये बहुत ज़्यादा कम निकलता है, बहुत कम निकलता है इसमें. क्यों? बहुत सेफ्टी इश्यूज होता है. अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हमको इतना सा न्यूक्लियस मिल जाए तो हम एक एरिया को साल भर का इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, बट वो बहुत प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है उसमें. लेड एप्रन पहनना पड़ता है जिससे कि रे किसी को लगे नहीं. क्या पहनना पड़ता है? लेड एप्रन्स. ठीक है, हमें गामा रे से बचने के लिए लेड एप्रन्स पहनना पड़ता है. यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कुछ लगा देना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि यहाँ डू नॉट इंटर, क्योंकि आप इंटर करेंगे तो आपको तो पता नहीं चलेगा कि आपको गामा रेज लग चुका है. अब जापान में जिनको लगा था उनको क्या हुआ, पहले तो बॉडी में हम लोग का बहुत सारा ऑर्गन है, पार्ट्स है, तो थोड़ा थोड़ा जो रेज है वो घुसा तो समझ में नहीं आया उनको, और एक दो महीना बाद पता चला, मतलब वो जब उनका डेथ हो गया तब तक वो अपना कहानी बताया कि गामा रेज जो है बहुत ज़्यादा डिवेस्टेटिंग है. ठीक है, और भी रेज है, एक्स रेज, यूवी रेज, वो अलग बात है. एक और बात है, बैकग्राउंड रेडिएशन पूछता है, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है, कुछ कुछ रेडिएशन जो अर्थ से निकलते रहते हैं पर हमें उनसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा बॉडी उनको झेल सकता है, पर एक रेडिएशन का लिमिट होता है, उससे ज़्यादा अगर रेडिएशन हमें लगे तो हमारे बॉडी को हार्म करता है. तो ये था रेडियो एक्टिव फेल्मिना. कोई एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव कब होता है, जब इसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो बिकम्स ग्रेटर देन 1.5 एंड मेन इट्स एटॉमिक नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 82. अगर कोई सी एलिमेंट का एटॉमिक न्यूट्रॉन प्रोटॉन से 1.5 होगा और एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा तो एटम क्या बन जाएगा, वो एटम बन जाएगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. अगर क्वेश्चन तो क्या आएगा बोर्ड्स में कि व्हाट आर द जनरली नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. सो देर आर टू कंडीशन रिक्वायर्ड. द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1.5 एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट इट्स एटॉमिक नंबर शुड बी ग्रेटर देन 82. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.